Hi guys, this is Rashmi from AIIMS Delhi. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट. अभी मेरी 4 दिन की छुट्टी है. कैसे छुट्टी है? एक तो आज सैटरडे है, फिर संडे, फिर मंडे को मेरा प्रेजेंटेशन नहीं, किसी और ग्रुप का है तो मेरी छुट्टी हो गई, फिर रिपब्लिक डे है. तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि 4 दिन में मैं क्या करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, आपको अगर आपके सामने कुछ फ्री डेज पड़े हैं तो आप उसमें अपना बैकलॉग, अपनी पसंद की चीज़ें कैसे कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कैसे कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ अपने चॉइस का भी करना होता है. तो सब कुछ मैं अभी कैसे करूँगी, मैंने प्लानर बनाया है, मैं आपको दिखाऊँगी, मैं आपको सिखाऊँगी कि मैंने अपना 4 दिन कैसे प्लान किया है. तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं अभी 4 दिन क्या करने वाली हूँ. ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा 4 दिन में मेरी कौन सी वीडियो आने वाली है. ठीक है, तो गाइज मैं आपको बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जो होता है बहुत एंशियस हो जाते हो जब आपको 4 दिन मिलता है. पहली बात तो कुछ लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं ये सोच के कि 4 दिन है, पता नहीं वो अपना गोल कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसके बाद उस लिस्ट को देख के वो इतना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ लिस्ट में है सारी चीज़ें, अब तो वो सब कर ही लेंगे. और उसके बाद वो फिर सो जाते हैं. और उसके बाद मैं सच बता रही हूँ 10% भी नहीं कंप्लीट होता है. ठीक है, तो आपको बस मेरा यही मैसेज है कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते जितनी आपकी छुट्टी हो. जैसे मैंने भी जो प्लान किया है ना, वो मैं सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है. हाँ, लेकिन मैं कुछ भी कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ. कहते हैं ना, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बट यू कैन डू एनीथिंग. तो अभी आप ये देखेंगे कि मैंने क्या प्लान बनाया है, और मैं आपको 4 दिन बाद दिखाऊंगी कि मेरा क्या क्या चीज़ अकॉम्प्लिश हो पाया. ठीक है, बाकी वीडियोज की चीज़ तो आप खुद ही समझ पाओगे कि मैंने क्या क्या कम्प्लीट किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास 4 दिन है. मैंने 4 दिन को ऐसे प्लान किया, पहले मैंने ऊपर लिख दिया 4 दिन है मेरे पास, 4 दिन मेरे पास है, मेरे हाथ में है कि मैं इसको कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करूं. तो देखिए मैंने क्या प्लान किया है, 5 वीडियोस देखना है मेरे को CCM का, जो मेरा पोस्टिंग अभी चल रहा है, प्लस मुझे NCD पे 3 वीडियोस देखने हैं. ये भी अब मैं मैरो से वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद उसके नोट्स लिखती हूँ. फिर मुझे आज मैंने लैब कोट, एक नया लैब कोट बनने को दिया है जो आप एप्रन बोलते हैं उसको, वो मुझे जाके कलेक्ट करना है. ठीक है, फिर मैं जब फ्री रहती हूँ, जब मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ इन सब चीज़ों से, तब मुझे वीडियो प्लान करना है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है. ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे को एक जो है गाना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता ही मुझे गाना गाना कितना ज़्यादा पसंद है. ठीक है, तो ये देखिए ये एक एक वीडियो जो होती है कभी कभी 40 मिनट्स 50 मिनट्स, तो लगभग लगा लो 5 घंटे की मैंने प्लानिंग कर रखी है. ठीक है, 5 घंटे की, प्लस ये वीडियोस भी जो छोटे छोटे होते हैं तो लगभग 5-6 घंटे की है, प्लस नोट्स लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, तो ये कम से कम लगा लो 8 घंटे का मैंने पढ़ने का प्लानिंग तो कर लिया, पर देखो कितना हो पाता है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी. फिर ये जो वीडियो जो प्लान करना मैंने तो आपको बता ही दिया, फ्री टाइम में करती हूँ, और गाना प्रैक्टिस करना तो मेरा रिफ्लेक्स में चलता है. ठीक है, तो अभी मैंने इतना पढ़ने का प्लानिंग किया है. बाकी देखो कल का प्लानिंग ये है, कल भी ऐसी वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है, ये जो TV के ऊपर जो 5 वीडियोस है उसको देखने हैं, फिर मुझे जो मैं प्लान करूंगी कि मुझे कौन सा वीडियो बनाना है उसको मैं शूट करूंगी. ठीक है, उसके बाद अपलोड करूंगी जो आप देखोगे. फिर 25 तारीख, अब मुझे मैंने सोचा है 26 तारीख को मैं एक गाना गाऊंगी. ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों, उसको गाऊंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी, उसको शूट करूंगी, फिर अपलोड करूंगी और आप लोगों से पूछूंगी कैसा लगा आपको. फिर मुझे उस दिन भी फिर मुझे थोड़ा वीडियोस देखना है उसी तरह से, ऐसे ही 5 वीडियोस का. मैं देखिए 5-5 वीडियोस को डिवाइड किया, आज के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टारगेट लिया, मैंने 8 वीडियोस लिए हैं. ठीक है, और मैंने रोज़ 5-5 अपने आप को दिया है. ठीक है, क्योंकि 5-5 घंटे का होता है वो. ठीक है, मतलब एक एक घंटे का तो टोटल 5 घंटे आपको लग जाएंगे, कभी कभी 30 मिनट का होता है, थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल गया टाइम में. ठीक है, तो मैंने हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा काम दिया है. ठीक है, और भी एक्स्ट्रा काम भी दिए हैं. ठीक है, उसके बाद मेरे को है कि मतलब ऐसे हम दोस्त प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, पर अभी कुछ श्योर नहीं है, तो ऐसे आउटिंग ऐसे लिख दिया कि चलो ठीक है 4 दिन में 1 दिन आउटिंग तो कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद 26 तारीख, 26 जनवरी है. ठीक है, सबको सबके लिए छुट्टी है, लेकिन ठीक है पढ़ना भी होता है, तो वैसे ही 5 वीडियोस देखने हैं, रिवाइज करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लान करना है. और उसके बाद आपके लिए एक नया बुक रिव्यू मैं करने वाली हूँ, मैं आपको उस वीडियो में ही बताऊँगी. आपके लिए बहुत अच्छी एक बुक आई है, वो उस वीडियो में ही सब कुछ आपको पता चलेगा. ठीक है, और मेरा फिर 27th को प्रेजेंटेशन है जो मुझे प्रिपेयर करना है. तो जो प्रेजेंटेशन है मेरा 27th को, उसका मैंने कल ही मैं और मेरे ग्रुप के 2 लोग मिलके प्रेजेंटेशन बना चुके हैं, तो आज मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ. बस मुझे उस दिन लास्ट डे मुझे बस कुछ क्वेश्चंस पढ़ने होंगे कि क्या वहाँ पे फैकल्टी पूछेंगे, और उसके बाद
प्रिपेयर हो गया। और अभी मैं, आप देख रहे हो, मैं अपने हॉस्टल में हूँ, मैं बल्लभगढ़ में मेरी पोस्टिंग चल रही है, बट वही छुट्टियाँ हैं तो मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बाकी मुझे फिर से पैकिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैंने सब कुछ हीटर, कुछ कपड़े जो गंदे थे सब लेके आ गई हूँ, सब पैक करूँगी और उसके बाद सब कुछ 26 को करके फिर 27 को सुबह सुबह चल जाऊँगी। तो गाइज, अभी आपने ये देखा मैंने एक रफ सा ऐसे बनाया आपको। मैं जब ऐसे तैयारी करती थी ना, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बनाती थी इसको, ठीक है, और अच्छे से बनाती थी। अच्छे से बनाने का ये होता था कि देख के अच्छा लगता था कि हाँ हमने कुछ लिखा है तो उसको हम अकॉम्प्लिश करेंगे, लेकिन अब ऐसी आदत सी हो गई तो बस ऐसे लिख लेते हैं और हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं ट्यूसडे को बताऊंगी कि मैंने कितना कर पाई, ठीक है। तो आप भी, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपना अपना पूरा डे प्लान करें। आपके पास जितनी भी छुट्टी है, फिर अगर आप घर पे पढ़ते हो तब तो आपको एक हफ्ते का प्लान कर ही लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इस तरह से किया, देखो मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम नहीं दिया है, मैंने अपना सब कुछ वर्क को है डिवाइड किया है कि मुझे कब क्या करना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मुझे दिन भर यूट्यूब को टाइम देना है या वीडियोज़ को टाइम देना है या फिर मुझे दिन भर जो है पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। मुझे बाहर भी जाना है, मुझे घूमना भी है, मुझे अपना मुझे जो डेली वर्क का काम है वो भी करना है, पढ़ाई के अलावा मुझे प्रेजेंटेशन को भी प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डल की तरह सिर्फ दिन भर किताबों में घुसे रहना है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हो, आपको एक्स्ट्रा वर्क जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यार यही है, आपको डे ऐसे ही प्लान करना है, आपके पास 24 घंटे हैं और आपको सोचना है कि आप उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। 24 घंटे आपके हैं, आपसे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज दिखाऊंगी, जैसे आज 23 है और अभी बज रहे हैं 10, ठीक है, अभी बज रहे हैं 10 जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं सुबह उठी थी 8 बजे, मैंने खाने खाया पिया, मैं सोची चलो ठीक है आज ये वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं भी ये क्या करूंगी, ये जो मैं आप देख रहे हो स्टिकी नोट्स, ठीक है, इसमें मैं 23 का लिख लूंगी पहले ही, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये देखो मैंने इसको शॉर्टकट में ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है, कि मुझे CCM के जो है 8 वीडियोज देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, लैब कोड जाके कलेक्ट करना है, यूट्यूब का वीडियो प्लान करना है, बस ऐसे कोड वर्ड में मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और एक गाना, जो मैंने गाना का नाम लिख दिया जो मुझे प्रैक्टिस करना है। अब इसको मैं उठाकर या तो मैं दीवार पे चिपका सकती हूँ या फिर बस ऐसे यहाँ पे मेरे टेबल पे ऐसे पड़ा रहेगा, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे ये सब करना ही करना है, ठीक है। तो गाइज, आप जैसे मैं भी कभी कभी लेजी हो जाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यही बात है कि आप उस चीज को कितना ज्यादा डेडिकेटेड होके कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये जो चीजें मैंने लिखी है, मैं आज शाम को कमेंट करूंगी या रात में कमेंट करूंगी कि मैंने किया कि नहीं, मैंने सब कुछ खत्म किया कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा अभी के नोट्स देखने, तो ये है मेरे नोट्स, देख लो, अभी भी मैं वैसे ही कलरफुल नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, अभी भी वैसे ही कलरफुल नोट्स बनाती हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी, देखो ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। अभी फिलहाल तो अभी आपकी, आप तो सोच लो अभी आप तैयारी करो, फिर आपको आगे भी MBBS करना है, फिर उसके बाद PG करना है, फिर बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे प्यारे नोट्स तो आपको हमेशा ही बनाने होंगे, ठीक है। तो अभी भी प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, ताकि आपको अच्छा मजा आए, और फिर ऐसे ही प्यारे प्यारे स्टिकी नोट्स में अपना डे प्लान करो और पूरा डे को इसी तरह से प्लान करो, मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, कि आपने अपना डे प्लान करना शुरू किया कि नहीं। आपको पूरा डे प्लान का लिखना नहीं है, बस आप मुझे ये बताओ आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो कि नहीं अभी 4 दिन, ठीक है। चलो बाय।